E è glomare, gloma. ये है ग्लोमा रिवर, ये स्वीडन के पास है, स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर के पास है ये रिवर। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज है वो फॉसम ब्रिज है, फॉसम ब्रिज। ये उधर से ने करीब 20-30 किलोमीटर दूर है घर से।
Fossum Brew. ये कुछ डिफेंस के लिए बनाए रखे के रेवर पे वॉच करने के लिए. आई गेस स्वीडन और नॉर्वे की बहुत लड़ाई होती रही थी तो ये रेवर तो ये जो ब्रिज है ये है फॉसम ब्रिज. और अभी जितनी मेरी जानकारी मिली है ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज रहा है. ये ग्लोमा रिवर के ऊपर है. ये रिवर है, ये ग्लोमा रिवर है. तो मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ क्या हुआ. तो नॉर्वे स्वीडन से इंडिपेंडेंट हुआ था 1905 में और उस टाइम लड़ाई हुई थी. और स्वीडन ने काफ़ी सारे फोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और ये सी साइड टाउन है वहाँ पे. तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम यहाँ पे ये ब्रिज बना है फॉसम ब्रू. ये जो ब्रिज है इसको फोर्टिफाई करने के लिए वहाँ पे एक फोर्ट्रेस बनाया था, फॉसम फोर्ट्रेस. तो वहाँ से अंदर से ब्रिज पे नज़र रख सकते थे और गन्स वंस थी तो डिस्ट्रॉय एनिमी शिप्स को ट्राई कर रहे हैं ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो दिस ब्रिज इज़ अ कनेक्शन, इम्पोर्टेंट कनेक्शन. तो अभी 1940 में ब्रिज एक्चुअली फोर्ट्रेस अबैंडन हो गया था 1930 में. और 1940 में जर्मनी ने नॉर्वे को इन्वेड किया था तो उस टाइम ये फोर्ट्रेस यूज़ नहीं किया था. तो उस टाइम भी यहाँ पे जर्मनी ने इस ब्रिज को कैप्चर किया था. तो इस तरीके से इस ब्रिज की हिस्ट्री है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सन अभी वहाँ पे सेट हो रहा है. इस ब्रिज का सन जो है वो सनसेट. तो अनदर सनी विंटर डे. ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फोर्ट्रेस है और ये जो विंडोज़ हैं यहाँ पे ये लोग ब्रिज पे गार्ड करते थे फॉसम ब्रिज पे.